मजे में। यस हाँ, नहीं हो मजे में? ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हो। हो ना मजे में सर? घर पे हो तो? स्कूल पे आना नहीं पड़ रहा है तो घर पे तो ऑलवेज मजा ही आता है ना, खेलना कूदना। यस, घर शब्द होम ये मैंने यूज किया। आप अभी घर पे ही हो ना? नहीं हो? बाहर रोड पे हो? गार्डन में हो? नहीं, कहाँ पे हो? घर पे। स्कूल नहीं आते हो तो आप घर पे ठहरते हो, है ना? नहीं तो घर, घर हमें क्या देता है? आप घर पे रह रहे हो वो सही है, आप घर हमें क्या क्या देता है? और आप कौन कौन से घर में रहते हो? बंगलोस, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, यस, कौन कौन से? और घर हमें क्या क्या देता है, क्या और किस किस से बचाता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किड्स, आपको पता है घर हमें हीट, रेन, विंड, कोल्ड विंड्स, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सब से हमें घर बचाता है, बचाता है ना? एंड गिव कंफर्टेबलनेस, मतलब हमें आराम देता है। वी फील रिलैक्स इन अवर होम। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किड्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक माई लर्निंग लेटर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ओपन पेज नंबर 103। ओके किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल स्टार्ट टुगेदर रीडिंग। सब लोग साथ में रीडिंग करेंगे। ओके किड्स, ओपन पेज नंबर 103। वाई डू वी नीड अ हाउस टू लिव इन? स्टार्ट नाउ। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देर आर परमानेंट एंड टेम्पररी हाउसेस। परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउसेस आर बिल्ट इन वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हट्स, अपार्टमेंट्स, बंगलोस, स्टिल्ट हाउसेस एंड इग्लूज आर परमानेंट हाउसेस। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 104। अपार्टमेंट एंड बंगलोस। अपार्टमेंट एंड बंगलोस आर यूजुअली मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। दे आर स्ट्रॉन्ग। हट्स। हट्स आर यूजुअली मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट इन प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल। दे आर बिल्ट ऑन पोल्स। इग्लूज। इग्लूज आर हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस और स्नो। वी कैन फाइंड देम ओनली इन वन प्लेसेस वेयर द लैंड इज कवर्ड विद स्नो ऑल थ्रू द ईयर। ओके, नाउ पेज नंबर 105। पीपल लिविंग इन प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल बिल्ट देयर हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। वॉटर और स्नो रन्स ऑफ द स्लोपिंग रूफ। टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी हाउसेस कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेंट्स, हाउस बोट्स एंड कारवांस आर टेम्पररी हाउसेस। टेंट्स। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास एंड कैन बी फोल्डेड एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। हाउस बोट्स। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वॉटर। दे हैव ऑल द रूम्स ऑफ अ हाउस। कारवांस। कारवांस आर मूविंग हाउसेस। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कारवांस। वन कैन कुक, ईट एंड स्लीप इन कारवांस। कारवांस आर कॉल्ड हाउस ऑन व्हील्स बिकॉज दे कैन मूव। ओके किड्स, अब यहीं तक पहले। पेज नंबर 103 पे रीडिंग कर लिया, अब पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके,
नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर की जरूरत क्यों है, टू लिव इन रहने के लिए घर की जरूरत क्यों है, तो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सब रोड पे रहते हैं, गार्डन पे रहते हैं, एयरपोर्ट पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, नहीं हम कहाँ पे रहते हैं बच्चों, अपने घर पे, घर पे रहने की जरूरत क्यों, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा घर हमें बचाता है किससे, हीट मतलब गर्मी, धूप, रेन बारिश, कोल्ड मतलब ठंडे, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, थीव्स मतलब रोबर्स, चोर, इन सब से हमें कौन बचाता है, हमारा घर हमें बचाता है। तो अब ये घर कितने टाइप्स के होते हैं किड्स, हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देर आर परमानेंट एंड टेम्पररी हाउस, पहले उसके टू ग्रुप्स डिवाइड किए, परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस, अब उसमें परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस आर बिल्ट इन वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, परमानेंट हाउस एक ही जगह पर बंधे हुए होते एंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैं जहां कहीं पे भी जा रही हूँ उसके साथ परमानेंट हाउस मेरे साथ आएंगे, होता है ऐसा, मैं घर स्कूल पे आती हूँ तो घर को साथ में लेके आती हूँ, नहीं, परमानेंट हाउस कैन नॉट बी मूव, वो मूव हो सकते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते नहीं, वो जहाँ कहीं पे भी है वहीं पे वो रहते है, मतलब ठहरे हुए स्थाई, वो हिल सकते नहीं है, तो वो कौन कौन से है, हट्स, अपार्टमेंट्स, बंगलोस, स्टिल्ट हाउस एंड इग्लूज, ये सब परमानेंट हाउस के एग्जांपल्स है, हट, बंगलोस, स्टिल्ट हाउस, अपार्टमेंट, इग्लूज, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टर्न द पेज, पेज नंबर 104, कौन सा पेज किड्स, 104 पे पेज टर्न कीजिए, अपार्टमेंट एंड बंगलोज, अपार्टमेंट एंड बंगलोज आर यूजली मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, दे आर स्ट्रॉन्ग, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, या तो अपार्टमेंट मतलब फ्लैट में या तो बंगलोज में रहते हैं, और वो किससे बना हुआ होता है, सीमेंट एंड ब्रिक का बना हुआ होता है, तो वो हम इजीली अपने साथ ले जा सकते हैं नहीं, इसलिए तो उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, परमानेंट हाउस, अब उसमें पहला आया अपार्टमेंट एंड बंगलोज, पहले ये आया, अब उसके बाद आया हट्स मतलब झोंपड़ी, हट्स आर यूजुअली मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो किससे बनती है, मड एंड स्ट्रो मतलब ड्राई ग्रास, जिससे हट झोंपड़ी बनती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती नहीं, जोर से बारिश आए, तूफान आए तो वो तहस नहस हो जाती है और गिर जाती है, पर बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता, वो वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस, क्योंकि वो किससे बना है, सीमेंट एंड ब्रिक्स से बना हुआ है, तो हट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अपार्टमेंट एंड बंगलोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आया स्टिल्ट हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट इन प्लेसेस, इसी जगह पर बनाया जाता है, दैट रिसीव हैवी रेन, जहाँ पे जोर जोर से बहुत सारी बारिश होती है वहां पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं, दे आर बिल्ट ऑन पोल्स, पोल्स मतलब लकड़ी या खंभा, उस पर ये हाउस बनाया जाता है, लकड़ी का खंभा है और उस पर लकड़ी का ही बना हुआ हाउस है, उसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस, फिर आया इग्लूज, इग्लूज आर हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस और स्नो, वो किससे बना हुआ है बच्चों, ब्लॉक्स ऑफ आइस बर्फ के चोसले से, बर्फ के, स्नो मतलब बर्फ, आइस उससे बना हुआ है, We can find them only in place where the land is covered with snow all through the year. जहाँ पे पूरे साल पर बर्फ ही बर्फ रहता है, वहाँ पे बर्फ पिघलता ही नहीं,
वहाँ के लोग इग्लूस बर्फ का ही ब्लॉक, मतलब ईंट जैसा, पर वो किसका, बर्फ का ही बना हुआ है, उससे वो अपना घर बनाते, उस घर को हम इग्लूस बोलते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 105। पीपल लिविंग इन प्लेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, लोग जहाँ पे रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती हैवी रेनफॉल होता है एंड स्नोफॉल और बर्फ की बारिश भी होती है, बिल्ड देयर हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ मतलब ऐसे, ये ऐसे स्ट्रेट रूफ है पर ऐसे वाला, स्लोपिंग रूफ मतलब यहाँ पे पानी गिरे तो इस पर से बूंदे नीचे गिर जाए, यहाँ पे पानी इकट्ठा, ऐसे को होगा तो पानी इकट्ठा होगा पर ऐसे होगा तो यहाँ से पानी नीचे गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्लोपिंग रूफ, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता नहीं है और पानी या बर्फ नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं स्लोपिंग रूफ। उसके बाद आया टेम्पररी हाउसेस, अब ये परमानेंट हाउसेस तो हो गए, उसके बाद क्या आया बच्चों, टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी हाउसेस कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसे मूव करा सकते हैं, कौन कौन से, टेंट्स, हाउस बोट्स एंड कारवास आर टेम्पररी हाउसेस। तो अब उसमें पहले आया टेंट, टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास, किसका मटेरियल, उसका किसका है, कैनवास का, एंड कैन बी फोल्डेड, फोल्डेड मतलब हम इजीली उसको फोल्ड, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पर उसको साथ में फोल्ड करके ले जा सकते हैं। आप कभी भी फॉरेस्ट में गए हो, कि फॉरेस्ट में जंगल के बीच में रहता है, रहना है तो वहाँ पे होटल थोड़ी होती, नहीं होती, तो वहाँ पे लोग सोल्जर्स और हम फॉरेस्ट में घूमने जाए तब हम टेंट्स अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पे खंभे डाल के टेंट्स को ओपन करके घर जैसा बनाते हैं, तो टेंट्स आर मेड फ्रॉम कैनवास मटेरियल। ओके, उसके बाद आया हाउस बोट, हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर, दे हैव ऑल द रूम्स ऑफ ए हाउस। हाउस बोट कहाँ पे होता है, आपने देखा है कश्मीर घूमने गए हो कश्मीर कभी भी, वहाँ पे हाउस बोट होता है और लेक में लोग हाउस बोट के अंदर अपना रह के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाउस बोट के अंदर हमारे घर के अंदर जितने रूम्स होते हैं वो सारे रूम्स हाउस बोट के अंदर भी होते हैं, और वो कहाँ पे तैरता है, वो लैंड पे नहीं होता, हाउस बोट कहाँ पे होता है, बोट, तो बोट कहाँ पे होता है, पानी में, तो हाउस बोट कहाँ पे तैरता है, फ्लोट ऑन वाटर मतलब पानी में ही होता है, और लोग अपने हॉलीडेज मतलब छुट्टियां स्पेंड करने कश्मीर जाते हैं तो हाउस बोट में ठहरते हैं। उसके बाद आया कारवांस, कारवांस आर मूविंग हाउसेस, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते हैं, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कारवांस, एक जगह से दूसरी जगह पर पीपल कारवांस में जा सकते हैं, वन कैन कुक ईट एंड स्लीप इन कारवांस, कोई भी कारवांस में खाना बना सकता है, खा सकता है, स्लीप मतलब सो भी सकता है, कारवांस आर ओल्ड हाउस ऑन व्हील्स बिकॉज दे कैन मूव, कारवांस व्हील पे बना हुआ हाउस है, उसके ऊपर हाउस के ऊपर नीचे व्हील है और इजीली लोग उसको मूव करके अपने साथ ले जा सकते, इसलिए कारवास का दूसरा नाम है व्हील्स ऑन हाउसेस ऑन व्हील्स, मतलब व्हील पे बना हुआ घर, तो ये इसके टाइप थे कि कौन कौन सा हाउस टेम्पररी है और कौन कौन सा हाउस परमानेंट है। ओके, अब पेज नंबर 106, कौन सा पेज, 106, रूम्स इन अ हाउस, वी सी मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस,
may be big or small. Big houses have many rooms. Small houses have a few rooms. Every room in a house has a special use. Along with rooms, a house also has doors and windows. Now let us hear Ria and Rohan talk about the rooms in their home. I'm Ria. I'm Rohan. Living room. This is our living room. Here we sit with our family members and watch television. We also chat with one another here. Dining room. This is our dining room. Here we sit together and eat our meals. Bedroom. This is our bedroom. We sleep here. Kitchen. This is our kitchen, page number 107 page. This is our kitchen. Our food is cooked here. Bathroom. This is our bathroom. We have our bath and brush our teeth here. Study room. This is our study room. We study here. Our homes are precious. We should help our elders to keep our homes neat and clean. Turn the page 108. कौन से पेज पे 108. A clean home. We all like to live in a clean home. How can we keep our home clean and also protect ourselves from various diseases? For this, we should keep a few points in mind. They are as follows. Our homes should have doors and windows. They should be large enough to allow sunlight inside. Sunlight keeps our home free from germs. We should keep our doors and windows open as much as we can. This allows fresh air inside. Home care, page number 109. Looking after our home is very important. Here are some points to keep in mind to take good care of our homes. We should keep our homes clean and tidy. All things should be kept in their proper place. We should always save water and electricity. We should never waste food. We should make sure that all the garbage is collected in a bin. Toilets should be clean regularly. Okay kids, yahi tak tha. Wapis page number 106. Rooms in a house. Ghar ke andar ke room. We see many kinds. हाउसे हम अपने आसपास बहुत सारे घर देखते हैं. कई हाउसेस बहुत बड़े होते हैं, कई हाउसेस बहुत छोटे होते हैं. बड़े हाउसेस में बहुत सारे रूम्स होते हैं, छोटे हाउसेस में थोड़े से छोटे छोटे रूम होते हैं. पर एवरी रूम इन अ हाउस एज स्पेशल यूज. एवरी रूम का स्पेशल यूज होता है. रूम के साथ साथ हाउस के अंदर, घर के अंदर डोर एंड विंडोज भी होते हैं ना, डोर्स एंड विंडोज. नाउ लेट्स हियर रिया एंड रोहन टॉक. रिया एंड रोहन क्या बात करते हैं वो अब हम सुनते हैं. रिया कहती है ये हमारा लिविंग रूम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी सीट विथ अवर फैमिली मेंबर्स. हम फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं एंड वॉच टेलीविजन. टीवी देखते हैं सब लोग. वी ऑल्सो चैट विथ वन अनदर हियर. और हम एक दूसरे के साथ इसी रूम में बातचीत करते हैं. उसके बाद आया है डाइनिंग रूम. ये हमारा डाइनिंग रूम है. हियर वी सिट टुगेदर एंड ईट अवर मील्स. यहाँ पे हम साथ में सब बैठते हैं और साथ में मिलके खाना खाते हैं. फिर आया बेडरूम. ये हमारा बेडरूम है. यहाँ पे हम सोते हैं. बेडरूम में क्या करते हैं, सोते ही है. फिर आया किचन. ये हमारा किचन है. अवर फूड इज कुक्ड हियर. किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं. फिर आया बाथरूम कि ये हमारा बाथरूम है. यहाँ पे हम बाथ मतलब नहाते हैं और अपने टीथ पर ब्रश करते हैं ना बाथरूम में ब्रश. फिर स्टडी रूम कि ये हमारा स्टडी रूम है जहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं. हमारा घर बहुत ही प्रीशियस कीमती है तो वी शुड हेल्प अवर एल्डर्स टू कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. हमें अपने से बड़ों एल्डर्स को अपना घर क्लीन नीट एंड क्लीन रखने में
हेल्प करनी चाहिए। लिविंग रूम में क्या करते हैं बच्चों, बैठ के बातें करते हैं एंड वॉच टेलीविजन। फिर आया डाइनिंग रूम, वहां पे साथ में बैठ के खाना खाते हैं। फिर बेडरूम, वहां पे सोते हैं। किचन, किचन में खाना बनाते हैं। बाथरूम में भी टेक बाथ एंड ब्रश अवर टीथ। एंड स्टडी रूम में हम क्या करते हैं, वी स्टडी देयर। ओके, तो ये रूम्स थे। अब घर के अंदर के रूम्स, अब एक क्लीन रूम। आपको घर गंदा पसंद है या क्लीन पसंद है? तो वी ऑल लाइक टू लिव इन ए क्लीन होम, हमें क्लीन होम ही पसंद है। तो हाउ कैन वी कीप अवर होम क्लीन, हम अपने घर को कैसे क्लीन रखे, उसके थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं, वो हमें माइंड में बिठाने हैं। कि अवर होम शुड हैव डोर्स एंड विंडोज। डोर एंड विंडो एवरी घर के अंदर होता है, उसके बगैर कोई भी घर होता है नहीं होता। दे शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ सनलाइट इनसाइड। डोर्स एंड विंडोज बड़े होने चाहिए ताकि सनलाइट हमारे घर के अंदर आ सके। सनलाइट आने से घर के अंदर जो भी कीटाणु जर्म्स है वो मर जाते और हमारा घर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब कीटाणु मॉस्किटो से फ्री हो जाता है। और अगर हमारे घर के अंदर जितने भी डोर्स एंड विंडोज है हमें ओपन ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि दिस अलाउ फ्रेश एयर इनसाइड, इसकी वजह से घर के अंदर फ्रेश एयर आ सकती है। अगर डोर्स एंड विंडोज बंद हुए तो फ्रेश एयर आएगी कहीं से भी? नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें घर की देखभाल करनी है। अब लुकिंग आफ्टर आवर होम, हमारे घर की देखभाल करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और वो हमें अपने माइंड में, दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने हैं कि हम अपने घर की देखभाल कैसे करें। वी शुड कीप अवर होम क्लीन एंड टाइडी, हमें अपना घर क्लीन एंड टाइडी रखना है। ऑल थिंग्स शुड बी कैप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस, सारी चीजें घर की जो उसकी जहां फिक्स जगह की है वहीं पे रखनी चाहिए। ऑलवेज सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप अगर रूम में नहीं हो तो फैन और ट्यूबलाइट की स्विच ऑफ करके ही रूम के बाहर निकलना चाहिए। और आप ब्रश कर रहे हो, आपको पानी की जरूरत नहीं है तो टैप मतलब नल बंद कर देना चाहिए, पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वो भी वैल्यूबल है। फिर वी शुड नेवर वेस्ट फूड, हमें कभी भी फूड को वेस्ट करना नहीं चाहिए, मतलब बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपको जितनी जरूरत है, जितनी भूख है उतना ही आपकी थाली नहीं चाहिए। वी शुड मेक श्योर दैट ऑल गार्बेज इज कलेक्टेड इन ए बिन, हमें घर का कूड़ा कचरा है वो कहाँ पे डालना है, गार्बेज बिन या तो डस्टबिन के अंदर। रोड पे भी थ्रो नहीं करना है और घर पे भी इधर उधर फैलाना नहीं है। टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली, रेगुलरली हम टॉयलेट का यूज करते हैं तो उसको भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे, वो हमें दिमाग में बिठाने हैं और हमें अपना घर क्लीन रखना है। तो अब आइए देखते हैं वापिस टाइप्स ऑफ हाउसेस, परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउसेस। क्या है परमानेंट हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस? तो परमानेंट हाउसेस बिल्ट इन वन प्लेस, एक जगह पर ही बांधे जाते हैं, कैन नॉट बी मूव, वो अपने साथ मूव हो सकते नहीं है। उसके एग्जाम्पल्स है हट्स, अपार्टमेंट्स, बंगलोस, स्टिल्ट हाउस एंड इग्लूस, ये सब है परमानेंट हाउसेस। उसके बाद आया टेम्पररी हाउसेस, कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो हम मूव कर सकते हैं, अपने साथ उसको ले जा सकते हैं। एंड इजीली कैरी विथ अस, मतलब इजीली अपने साथ कहीं पे भी हम उसे ले जा सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है टेंट्स, हाउस बोट्स, कारवांस, उसके एग्जाम्पल ये है जो हम इजीली अपने साथ ले जा सकते हैं। ये हाउसेस के टाइप थे। अब हाउसेस के अंदर रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ये सब घर के अंदर के रूम है जिसको हमें क्लीन
नीट एंड क्लीन रखना है, टाइडी रखना है। डोर्स और विंडोज घर के अंदर जितने भी है वो ओपन रखने ताकि सनलाइट आपके घर के अंदर एंटर हो सके एंड फ्रेश एयर भी आपके घर के अंदर एंटर हो सके। नेवर वेस्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं करना है। नेवर वेस्ट फूड, खाने का भी बिगाड़ करना नहीं। एंड थ्रो गार्बेज इनटू गार्बेज बिन, ये पॉइंट याद रखें। टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली, टॉयलेट रेगुलरली क्लीन करना है एंड फ्लश टू टाइम्स आफ्टर यूजिंग। ओके किड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें दिमाग में बैठा लेने हैं कि हमें होम केयर कैसे करनी। अब ये टाइप्स ऑफ हाउसेस का चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके किड्स, थैंक यू। आभार।